हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिक रेसिपी। आज मैं आपके लिए मात्र 5 मिनट में बनने वाले और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले आलू और प्याज के लच्छेदार पकौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बनने वाली है। एक सीक्रेट टिप्स भी बताऊँगी जिससे कि आपकी पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहेगी। तो आइए रेसिपी देख लेते हैं, और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी साइज के कच्चा आलू लिया है, आलू को अच्छे से छील लेंगे। तो आलू मैंने छील लिया है और इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मोटे वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है जिससे कि लच्छे अच्छे से बने। बारीक वाले से यदि आप ग्रेट करेंगे तो उसके लच्छे बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं और बीच बीच से टूट जाते हैं। तो इस तरीके से मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अब आलू को हम पानी में डाल के अच्छे से धो लेंगे और इसी तरीके से पानी में ही इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मैंने 6 प्याज लिया है और प्याज को हम बारीक बारीक से काट लेंगे। तो प्याज को मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है और बहुत ही बारीक इसे हम कट करेंगे, इसका लच्छा बारीक निकालेंगे। तो सबसे पहली टिप्स हमारी यही रहेगी कि आपको जो प्याज है बारीक बारीक कट करना है, इससे हमारी जो पकौड़ी है बहुत बढ़िया बनती है। यदि मोटे लच्छे होते हैं तो उसकी पकौड़ी जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और जल्दी ही स्वैगी हो जाती है, और यदि आप पतले लच्छे बनाते हैं तो उसकी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पर देखिए, सारे प्याज को मैंने काट लिया है और अब इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से मैश करेंगे जिससे कि जो लच्छे हैं अलग अलग हो जाएंगे। और अब जो हमने आलू पानी में रखा था तो इसे हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे, पानी हटा देंगे और इसे बड़े से बॉयल में डालेंगे। तो आप चाहे तो कपड़े से भी या स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं। इसे हाथों से थोड़ा सा आलू था तो हाथों से अच्छे से निकल गया। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो 4 हरी मिर्च मैंने ली हैं बारीक काट के। 10 से 15 लहसुन को ग्रेट कर लिया है और अदरक 1 इंच 1.5 इंच जितना ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच गोल मिर्च जीरा का पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 7 में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 चम्मच जितना, और उसी के साथ मैंने 5 चम्मच बेसन डाला है और 2 चम्मच चावल का आटा इसमें डाल दिया है। चावल का आटा डालने से हमारी पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। यदि आपके पास नहीं है तो बिना डाले भी आप बना सकते हैं, लेकिन यदि हो तो आप ज़रूर डालें, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ी बनती है। उसी के साथ 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है, और जो हमने पकौड़ी तलने के लिए गरम तेल करते हैं उसी तेल में से निकाल के हम इसमें 2 चम्मच इतना गरम तेल डालेंगे जिससे कि हमारी पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो प्याज का पानी होता है उसी से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और दबा दबा के हाथों से अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। नमक और प्याज जब आपस में मिलेगा तो ये हल्का सा पानी छोड़ देता है और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे इसे मैं मिला रही हूँ ये बढ़िया से बनते जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें मिला लेना है, और बेसन की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो पकौड़ी है उतना बढ़िया सा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया सा ये जो हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे हम पकौड़ियाँ तलेंगे, और पकौड़ियाँ तलते समय भी ध्यान रखना है कि आप इसे दबा दबा के ना डालें, यानी हल्के हाथों से उठाएं और डाल दें। छोटी छोटी डालेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया पकौड़ी हमारी बनेगी। तो बस इसी तरीके से इसमें डाल देंगे जितना एक बार में अच्छे से आ जाए, और अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पलट पलट के बढ़िया से क्रिस्पी होने तक पकौड़ी फ्राई कर लेंगे। टी टाइम के लिए सबसे आसान नाश्ता होता है, जो कि आप झटपट से बना सकते हैं, मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। यदि घर में मेहमान आ जाए तब भी इसे आप 5 से 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गई है। यहाँ मैंने निकाल के इसे सर्व किया है। इसी के साथ 2-3 हरी मिर्च भी फ्राई कर लीजिए, पकौड़ी के साथ हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी और केचप के साथ इसे सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी हमारी पकौड़ी बनी थी। तो कैसी लगी आपको मेरे आलू और प्याज की लच्छेदार पकौड़ी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।